बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत सलामती और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज हम बनाएंगे माश की दाल ढाबा स्टाइल में। बहुत ज़बरदस्त ये बनने वाली है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हमने जो इसमें ऐड करना है वो ये खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले। इसमें कुछ दालचीनी की 3 स्टिक्स है और इसके साथ बड़ी इलायची है और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है और 2 पत्ते हैं हमारे पास कड़ी पत्ता। इसके साथ हमारे पास ये ब्लैक पेपर के कुछ दाने हैं। सारी चीज़ों को हम सेम टाइम पे ऐड कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है कि 1 से 8 मिनट आपने इसको ज़रा सॉफ्ट करना है। ये तकरीबन 1 मिनट हो गया है। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हमारे पास पिसा हुआ अदरक है। और मैं ये बताना भूल गई थी कि हमने इसमें 1/2 कप से थोड़ा कम हमने इसमें ऐड किया है घी। आपके पास ऑयल है, आप ऑयल यूज़ कर सकती हैं और अपनी दाल के मुताबिक जितनी आपके पास दाल है उतना आप ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें जाएगा साल्ट, 1 टेबलस्पून साल्ट, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले सब्ज़ वाले। ये टमाटर है बड़े साइज़ का और 1 टमाटर है और ये 3 ग्रीन चिलीज़ हैं, सब्ज़ मिर्ची और 1 बड़े साइज़ का प्याज था। मिक्स कर देंगे इसको। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे पानी और अब इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी हमने इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम कवर कर देंगे। जब तक ये मसाले सॉफ्ट नहीं होते उतनी देर तक हम इसमें दाल ऐड नहीं करेंगे, कवर कर देंगे इसको 10 मिनट के। ये देखिए तो माशाल्लाह मसाला बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। थोड़ा सा हम इसको मैश कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हमारे पास कसूरी मेथी है, इसको हमने धो के छलनी कर लिया था। मिक्स करेंगे इसको भी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें लेकिन इससे जायका जो होता है बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे माश की दाल। ये हमारे पास माश की दाल है, हमने इसको तकरीबन 1/2 घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। अगर आपने माश की दाल भिगोई नहीं है तो फ़ौरन पकानी है तो उसको तकरीबन आपने 1/2 से 1.5 घंटा उसको टाइमिंग देनी है पकने के लिए। अगर भिगोई हुई दाल है आपके पास तो उसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लग सकते हैं तैयार होने में। मिक्स करेंगे इसको। और इसको छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट। इसमें फ्राई करेंगे इसको बहुत अच्छे से, फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें तो माशाल्लाह से ऑयल भी सेपरेट, घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया। और मैंने इसमें पुदीने के चंद छोटे छोटे पत्ते ऐड किए थे और ये आप ऐड करना चाहें तो कर लें, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये भून लिया इसको। ये देख सकते हैं आप, ऑयल भी इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है, घी जो होता है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। ये हमारे पास 1 कप पानी है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास अगर दाल ज़्यादा है तो आप ये 2 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे
10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये हमारी माश की दाल रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक और धनिया, मिक्स करेंगे इसको। और डिश आउट करेंगे। ये देखें तो माशाल्लाह से रेडी है हमारी माश की दाल, ढाबा स्टाइल में बिल्कुल हमने रेडी की है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। यम्मी।